नमस्कार आदाब न्यूज़ फाइव एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर शहर की यातायात व्यवस्था अराजक हो चुकी है जहां देखो वही लोग जाम में फंसे नजर आते हैं खासकर मानगो चौक पर जहां पुल की दोनों तरफ जाने वाली सड़क पर लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला बुधवार की सुबह जहाँ सड़क जाम का ऐसा मंजर दिखाई दिया कि जिसमे एम्बुलेंस के मरीज भी जाम में फंसे रहे तो वही यातायात आरक्षक सहित अन्य प्रशासन पदाधिकारी घंटों जाम को नियंत्रित करने के जद्दोजहद में जुटे रहे जहां देखा गया कि यातायात आरक्षक बड़ी मुश्किल के साथ वाहनों को नियंत्रित करते दिखे जहाँ फंसे हुए एम्बुलेंस को भी उल्टी दिशा से घुमा जाम से बाहर निकाला गया और मरीजों को उनके लक्ष्य तक पहुँचने की सहायता की गई जिससे एम्बुलेंस के मरीज को जाम से मुक्ति मिली बुधवार की सुबह तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे से मानको पुल डेढ़ घंटे जाम रहा नो एंट्री खुलने और स्कूल की छुट्टी होने के कारण जाम लगा जाम में स्कूली बच्चे फंसे रहे बस टेम्पो कार के अलावा स्कूली वैन को जाम से निकलने में परेशानी हुई जमशेदपुर शहर के लोग बुधवार को जाम से दिन भर परेशान रहे मानगो पुल पर दोपहर और शाम में लगे जाम के कारण हजारों की आबादी त्रस्त रही खासकर मानगो साक्षी और भुईयाडी के लोग खासे परेशान रहे बुधवार के शाम मानगो पुल पर दो कार खराब हो गई साथ ही बस स्टैंड के पास एक बस के खराब होने से लोग ढाई घंटे तक जाम में फंसे रहे शाम छह बजे से लगा जाम रात करीब साढ़े आठ बजे के बाद सामान्य हुआ इस दौरान वाहनों के पहिए थम गए थे जाम में कुछ मरीज भी फंस गए जिसके कारण उन्हें अस्पताल पहुंचने में काफी देरी हुई जिससे परिजन परेशान रहे इसके अलावा कंपनी और संस्थान से छूटने वाले कर्मचारी व वा अधिकारी भी जाम में फंस गए यातायात पुलिस ने क्रेन की मदद से मानगोपुर पर खराब हुए वाहनों को हटाया जिसके बाद धीरे धीरे जाम खुला इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई वहीं बुधवार को सुबह तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे से मानको पुल डेढ़ घंटे जाम रहा नो एंट्री खुलने और स्कूल की छुट्टी होने के कारण जाम लगा जाम में स्कूली बच्चे फंसे रहे बस टेम्पो कार के अलावा स्कूली वैन को जाम से निकलने में परेशानी जिससे लोगों को अपने आगे का सफर पैदल ही करना पड़ा जहाँ हमने एक वृद्ध व्यक्ति से भी बात की जिसने बताया की उनको उनके ऑटो रिक्शा चालक ने जाम के कारण लक्ष्य तक पहुँचाने के पहले ही उतार दिया तो उन्होंने सफर पैदल चलकर ही पूरा करने का निश्चय किया यातायात की चौकी होने के बाद भी व्यवस्था बनाने में यातायात विभाग पीछे रहता है सड़क के तोने और वाहनों के खड़े होने के कारण अक्सर लोग जाम में फंसकर रह जाते हैं चार पहिया वाहन चालकों का आधे आधे घंटे तक वाहनों को चालू रखकर जाम खुलने का इंतजार करना पड़ता है मानगो से जमशेदपुर को जोड़ने वाली सड़क पर भीड़ अब आम बात हो गई है मानगो पांच लाख की आबादी वाला क्षेत्र है इसमें स्तर से जमशेदपुर शहर को जोड़ने वाली मुख्य तीन सड़कें हैं जिसमें टिमना रोड ओल्ड पुरलिया रोड न्यू पुरलिया रोड शामिल है मानवाओ की तीनों सड़कों की चौड़ाई अतिक्रमण के चलते गलियों में तब्दील हो गई है जिससे आए दिन लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है मानगो पुल के पास जमशेदपुर बस स्टैंड है जहां से 300 से अधिक बसों का आना जाना हर रोज होता है ऐसे में मानगो के स्थानीय निवासियों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों को भी जमशेदपुर शहर की तरफ जाने के लिए जाम की समस्या से जूझना पड़ता है मोहम्मद मोहम्मद सलीम सलीम खान खान कहाँ से आ रहा है के पास से उतार दिया टेम्पू वाले पुल के पास में उतार दिया टेम्पू वाले वहाँ से पैदल आ रहे हैं क्यों उतारा कारण जाम की वजह से जाम लगी हुई है परेशानी हो रहा है जी हाँ परेशानी हुआ काफी जी कहाँ जा रहे हैं जाना है यहीं पानवी बजे जान से परेशानी हुआ